वंदे मातरम साथियों, मैं शालिनी वर्मा सबका स्वागत करती हूँ। साथियों, बहुत पहले मैंने एक सीरीज चलाई थी बीमारी की जड़ पे प्रहार, तो आज मुझे एक और चीज याद आई तो मैं उस पे भी आपको प्रहार करना सिखा रही हूँ। हालांकि तो वेट बढ़ना, वेट गेन करना, मोटापा कोई बीमारी नहीं है, हम उसे बड़ी प्रॉब्लम समझते हैं लेकिन कोई बीमारी नहीं है, लेकिन फिर भी एक समस्या जरूर है। अगर आपको लगता है कि वेट आपका बढ़ा हुआ वेट आपके लिए प्रॉब्लम है, तो आप भी उसकी जड़ पे प्रहार करिए उसके कारण को समझकर। वेट बढ़ना ऐसे ही नहीं हो जाता कि आप बहुत खा रहे हैं, हमको लगता है हम बहुत खा रहे हैं इसीलिए हमारा वेट बढ़ रहा है। आम जो हमारी धारणा है वो ये है, ज्यादा खाने से वेट बढ़ता चला जा रहा है, पर ऐसा नहीं है। बहुत सारे रीजंस हैं जो आपका वेट बढ़ा देते हैं, तो रीजन को जान लीजिए कि आपका वेट बढ़ क्यों रहा है, और जैसे ही रीजन को जानकर उसकी जड़ पे आप प्रहार कर देंगे, आपका भी वेट कम होना शुरू हो जाएगा। वेट बढ़ने का एक सबसे बड़ा जो कारण होता है वो कारण क्या होता है कि आप बहुत ज्यादा इनसिक्योर अपने आप को फील कर रहे हैं। जब भी आपको लगता है इनसिक्योरिटी अपनी लाइफ में, अपने जॉब में, अपने रिलेशनशिप में, अपने घर में या समाज में, कहीं भी अगर आप किसी भी तरह से इनसिक्योर अपने आप को फील कर रहे हैं कि कुछ गलत हो सकता है मेरे साथ या मेरी लाइफ में कुछ गलत हो सकता है, आपका वेट बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो वेट बढ़ने का एक सबसे बड़ा कारण तो ये होता है। इसके अलावा बॉडी में अलग अलग जगह पे वेट बढ़ने के भी अलग अलग कारण होते हैं। जैसे कि अगर आपके हाथों पे बहुत ज्यादा मोटापा है, बहुत लोगों का आपने देखा होगा पूरे शरीर पे इतना वेट नहीं है, हाथों पे बहुत ज्यादा उनको वेट होता है, शोल्डर्स पे ये वाला उनका हिस्सा जो होता है इस पे वेट ज्यादा है, तो फैट ज्यादा है। अगर आपको लगता है हाथों पे फैट ज्यादा है तो उसका रीजन पता है क्या होता है? डिनाइड लव, यानी कि आपका प्यार किसी ने नहीं स्वीकारा या आप प्यार को नहीं स्वीकार रहे हैं जीवन में, तब आपका ये फैट बढ़ना शुरू हो जाता है। प्यार को स्वीकारना केवल ये ना देखें कोई रोमांटिक रिलेशनशिप, ऐसा नहीं है, किसी भी तरह के प्यार को आप स्वीकार नहीं कर रहे। बहुत सारे लोग होते हैं जो खुद ही चिड़चिड़े होते हैं, कोई उनसे अच्छे से बात भी करना चाहे ना तो वो पसंद ही नहीं करते, बात ही नहीं करना चाहते। तो ये भी आप उस लव को जो दूसरा व्यक्ति आपके साथ अच्छे से बात करके आपको देना चाह रहा है, आप उसको नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो जब प्यार को आप नकार रहे हैं तब भी आपका वेट बढ़ेगा, फैट बढ़ने लगेगा आपकी बॉडी में। प्यार को आप नकार रहे हैं या कि आपका प्यार कोई और एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तब भी आपका वेट बढ़ेगा। तो ये रीजन होता है वेट बढ़ने का। इसके अलावा हिप्स पे फैट कब होता है? जब हिप्स पे हमारे फैट आने लगता है, कमर पे हमारे फैट आ जाता है, तो हम सबसे ज्यादा मोटे दिखना शुरू हो जाते हैं। बहुत तेजी से लगता है कि हम मोटे हो गए हैं। कब आता है? जब हम अपने माता पिता से किसी बात पे नाराज हैं। अगर हम अपने माता पिता पे किसी भी बात से नाराज हैं, शुरू से नाराज हैं या अब हम गुस्सा हैं, तो आपको फैट वहां पे बढ़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि आप गुस्सा है उसको एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहे हैं, तो आपका फैट बढ़ना शुरू हो जाएगा। मतलब माता पिता के प्रति गुस्सा दिखाता है आपके हिप्स पे बढ़ा हुआ फैट। इसके अलावा थाइस पे अगर आपको फैट ज्यादा बढ़ा हुआ है, हिप्स और थाइस अगर आपके फैट आ जाता है तो बहुत ज्यादा आप मोटे दिखते हैं, तो जो थाइस का फैट होता है ना वो बचपन का गुस्सा दिखा रहा है। बचपन की कुछ बातों से, कुछ परिस्थितियों से आप इतना ज्यादा रुष्ट है, नाराज है कि उसको रिलीज भी नहीं कर पाए, और वही गुस्सा आपके अंदर फैट के रूप में इकट्ठा हो गया। तो आप इस तरह भी जान सकते हैं कि मेरी बॉडी में कहां पर फैट है, उसका रीजन क्या है। तो ये तो थोड़े से बेसिक चीजें हैं जो आप अपने बॉडी के फैट को देखकर समझ सकते हैं कि इस प्रॉब्लम, ये मेरी प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम पे मैं प्रहार करके अपना फैट रिलीज कर सकता हूँ। जाहिर सी बात है मैं आपको सॉल्यूशन भी बताऊंगी, स्विचवर्ड भी दूंगी, एंजल नंबर भी दूंगी मैं आपको, लेकिन पहले प्रॉब्लम को जानिए, प्रॉब्लम को रिलीज करना शुरू करिए। बहुत सारे लोगों पे एंजल नंबर्स भी काम नहीं करते, स्विच वर्ड्स भी काम नहीं करते, क्यों? क्योंकि उनकी प्रॉब्लम कुछ और है, वो गुस्सा वही का वही दबाए हुए हैं जो कि उनको रिलीज कर देना चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा है, फिर एंजल नंबर अकेला क्या कर पाए। तो आपको अपने इमोशन को भी समझना बहुत जरूरी है। इसके अलावा और भी बहुत सारे कारण हैं जो आपके फैट को बढ़ाते हैं, जैसे कि स्ट्रेस, जाहिर सी बात है स्ट्रेस आपका फैट बढ़ाता है। लोनलीनेस, अगर आप अकेलापन जीवन में महसूस करते हैं ना, आप खुद भी देखिए जब हम घर में भी अकेले होते हैं ना तो खाते कूदे, खाने पे ध्यान जाता है, बोर हो रहे हैं क्या करें। तो अकेलापन अगर आपके जीवन में है ना, तब भी आपकी बॉडी पे फैट बढ़ना शुरू हो जाता है। बोर्डम, यानी आप बोर बहुत हो रहे हैं,
यानी आप समाज में भी मिलते जुलते किसी से नहीं, आपके दोस्त भी नहीं है, एकदम बोरिंग लाइफ आपकी चल रही है ना, तब भी आपका फैट बढ़ना शुरू हो जाता है। और क्या होता है, इमोशंस को आपने दबा दिया। कोई भी ऐसा इमोशन, गुस्से का, प्यार का, कोई भी इमोशन जो आपके अंदर है लेकिन आप उसको रिलीज नहीं कर रहे, व्यक्त नहीं कर रहे, किसी व्यक्ति से आप बहुत चिढ़े हुए हैं लेकिन बता नहीं रहे, तो अंदर ही अंदर जब वो गुस्सा आपके रहेगा, वो इमोशन अंदर रहेगा, तो आपका फैट बढ़ाना शुरू कर देगा। एक साल से आप किसी से चिढ़ रहे हैं, उसने आपके साथ ये गलत किया था और आप नहीं कुछ कर पा रहे, ऑफिस में किसी से चिढ़ रहे हैं, उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो वो जो चिढ़ रहे हैं, वो जो इमोशन है, आपका वेट बढ़ाना शुरू कर देगा। तो ऐसे बहुत सारे रीजन होते हैं। एक और रीजन स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी होता है, जिसको हम पॉजिटिव साइड में लेते हैं वेट गेनिंग का रीजन, लेकिन ये भी रीजन होता है। जब आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू करते हैं ना, तब भी आपका वेट थोड़ा सा बढ़ना शुरू हो जाता है। ये बात और है कि ये वाला बढ़ा हुआ वेट समय के साथ मैनेज हो जाता है, खुद ब खुद मैनेज भी होने लगता है, लेकिन वेट आपका तब भी बढ़ता है। तो ये सारी कंडीशंस हैं जब आपका वेट बढ़ सकता है, स्ट्रेस में, डिप्रेशन में, इन सारी चीजों में आपका वेट जरूर बढ़ता है। भावनाओं को दबाइए मत, व्यक्त करिए। जब आप खुलकर व्यक्त करना शुरू कर देंगे ना, सारी बीमारियां आपके शरीर से रिलीज होने लगेंगी। तो इस तरह अपनी बीमारी का या अपने वेट का जो आपके लिए प्रॉब्लम है, उसका रूट कॉज जानिए और उस पर प्रहार करिए। अब प्रहार कैसे करेंगे, सॉल्यूशन क्या है, सेल्फ लव पहला सॉल्यूशन। सबसे पहला सॉल्यूशन, अगर अपने जीवन में परिवर्तन करना है, अपने शरीर में परिवर्तन करना है, तो खुद से प्यार करना सीखिए। बचपन से हम उस माहौल में पले बड़े होते हैं कि हम प्यार को ना हमेशा दूसरों में खोजते हैं, कि या तो हमारे माता पिता हमको बहुत प्यार करें, भाई बहन हमको बहुत प्यार करें, थोड़ा सा आगे बढ़े तो हमारा लाइफ पार्टनर हमको बहुत प्यार करे, तो ये सब तो ठीक है, लेकिन उसका क्या, प्यार को खुद में क्यों नहीं खोजते हम, अपने लिए सुंदर क्यों नहीं रह सकते हम, अपने लिए अच्छा क्यों नहीं खा सकते, खुद को सुंदर दिखाने के लिए हम अच्छा क्यों नहीं पहन सकते, क्योंकि हमारे अंदर वो है ही नहीं कि हम अपने आप से प्यार करें। तो आपको क्या करना है, वेट को लूज करना है तो सेल्फ लव को बढ़ाना ही होगा, खुद से प्यार करना शुरू कर दीजिए। मैं मोटी हूं तो क्या हुआ, मैं सुंदर हूं, मैं अपने आप से प्यार करती हूं। दूसरी चीज, मिरर टेक्निक पे आ जाइए, मिरर में खुद को देखिए और रोज कुछ अफर्मेशन बोलिए, जो भी अफर्मेशन आपको अच्छी लगे बोलिए। यू तो मैंने अफर्मेशन का वीडियो भी डाला है, पर अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं वेट पे भी और अफर्मेशन का वीडियो डाल दूंगी। कोई भी अफर्मेशन चुन लीजिए, शीशे में खुद को देखिए और बोलना शुरू कर दीजिए, आप देखिए कैसे जादुई परिवर्तन। तीसरी चीज, ऑरा पे काम करना शुरू कर दीजिए। आपकी ऑरा में जब गंदगी आ जाती है ना, तब भी आपका वेट बढ़ने लगता है, ये भी एक कॉज है। ऑरा में निगेटिविटी आती है, निगेटिव थॉट्स, निगेटिव वर्ड्स से, तो ऑरा को क्लीन करने पे काम करना आपको होगा। बहुत सारे वीडियोस इस टॉपिक पे दिए हैं, ऑरा पे कैसे काम करें वो करिए। नमक डालकर पानी में नहाइए, और फिर खूब सारे सादा पानी से भी नहाइए, क्योंकि जब नमक के पानी को हम इस्तेमाल करते हैं तो सादा पानी भी हमको दुगना यूज करना चाहिए, ताकि नमक का कोई अंश, खारे पानी का कोई अंश आपके बॉडी पे ना रहे। तो आपने नमक डाल के नहाना शुरू कर दिया, स्मजिंग करना शुरू कर दीजिए, आपकी ऑरा जैसे जैसे क्लीन होगी, आपकी निगेटिविटी जो फैट के रूप में आपके बॉडी में इकट्ठी हुई है, वो भी रिलीज होना शुरू। तो ये है कुछ छोटी छोटी चीजें। स्विचवर्ड और एंजल नंबर भी आपको दे रही हूं, तो स्विचवर्ड और एंजल नंबर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एंजल नंबर आपको देखकर बताती हूं, देखिए इन वाले सॉल्यूशंस के साथ आपको क्रिस्टल्स भी, अगर आप यूज करना चाहें तो क्रिस्टल भी यूज कर सकते हैं, आप एमेथिस्ट वेट के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके कुछ सॉल्यूशंस हैं जो वेट लूज के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं बात कर रही थी स्विचवर्ड की। स्विचवर्ड जो आप यूज करेंगे वो है डिवाइन टाइनी कर्व होल नाउ। डिवाइन टाइनी कर्व होल नाउ, मन में ये सोचकर कि मेरा वेट मैनेज हो जाए, मेरा फैट जो बढ़ा हुआ, जो एक्सेस फैट है, वो रिलीज हो जाए, मैं उसके लिए मैं सुंदर दिखूं, मैं भी स्लिम हो जाऊं। लगातार इस स्विचवर्ड को आपको बोलना शुरू कर देना है। जब भी वेट लूज करने की प्रोसेस में आप हो ना, तो अपने खाने को भी ब्लेस करना शुरू कर दें। खाने को हमेशा ब्लेसिंग्स दें, पानी को हमेशा ब्लेसिंग्स दें। पानी पे मैंने वीडियो भी डाला था कि पानी पे तो आप जो वर्ड्स बोलेंगे तो पानी सुन भी सकता है, ये तो चीज प्रूवन भी है, साइंटिफिकली प्रूवन है। तो खाने को और पानी को ब्लेसिंग्स देकर कि ये पानी
ये खाना मेरी बॉडी को बैलेंस कर रहा है, मेरी बॉडी को सुंदर बना रहा है, मेरी बॉडी को हेल्दी बना रहा है। ब्लेस करके ही खाना पानी आपको पीना शुरू करना है। तो क्रिस्टल कौन सा यूज करेंगे? एमेथिस्ट यूज करिए, स्विचवर्ड जो बताया उसको इस्तेमाल करिए। दो एंजल नंबर्स बता रही हूं लिखिए। एंजल नंबर है पहला 32 थोड़ा सा स्पेस 194, 32 थोड़ा सा स्पेस 194 आपका पहला एंजल नंबर है। दूसरा आपका एंजल नंबर है 989। दो एंजल नंबर्स हैं ये अलग अलग। पहले एंजल नंबर लिखिए 32 थोड़ा स्पेस 194, स्पेस दे दो या कॉमा दे दो। जो लोग स्पेस को नहीं समझते हैं तो मैं कॉमा देकर लिख देती हूँ ताकि आपको पता रहे कि थोड़ा दूरी रखनी है। तो 32, 194, दूसरा 989, ये दो एंजल नंबर्स किसी भी कलर के पेन से लेफ्ट बॉडी पार्ट पे लिखिए और आप देखिए कैसे आपका जीवन चेंज होता है। एंजल नंबर और स्विचवर्ड क्रिस्टल के साथ जो रूट कॉज है उस पे भी ध्यान दीजिए, उस पे भी काम करना शुरू करिए। वेट आपका अपने आप मैनेज हो जाएगा, वेट घटना कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं। अगले वीडियो में मैं शालिनी वर्मा फिर से मिलूंगी, तब तक के लिए प्यार भरा नमस्कार।